नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। जिले के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कमान संभालते ही पुलिस और जनता के बीच उठ रहे जनविश्वास और पुलिस की काली करतीतु से शर्मसार हो रही खाकी को लेकर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन रीवा पुलिस अधीक्षक की मंशा पर पानी फेरने का काम आज भी उनके अधीनस्थ पुलिस के द्वारा जारी है, जहां पर मनगवा थाना प्रभारी के द्वारा अधीक्षक महोदय के मंसूबे पर एक बार फिर पानी फेरते हुए खाकी वर्दी को दागदार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। छोटी दीपावली के दिन मनगवा थाना प्रभारी के द्वारा मनगवा थाना अंतर्गत छोटे छोटे गरीब व्यापारी जो फुटपाथ में पटाखा बेच रहे थे, उसी समय थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पहुंचे और फुटपाथ वाले व्यापारियों के साथ जिस तरह से कृत्य किया और उनको अपमानित किया, उनकी छोटी दीपावली में लगाए गए दुकान के सामान को किस तरह से पुलिस वाले गाली में भर रहे हैं, तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस चौंकाने वाली घटना के वीडियो आपके सामने है। थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ अपने वाहन में हजारों रुपए के पटाखों को लोड कर देते हैं और चलते बने। वही पटाखा व्यापारियों के संबंध में पत्रकारों के द्वारा जब पूछा गया कि क्या कार्रवाई की गई है, तो अस्थायी थाना प्रभारी का सीधे कहना है कि हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, किसी भी तरह की गलती नहीं की है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस के द्वारा भरे बाजार में नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस की गाड़ी में पटाखा लोड करते हुए वीडियो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। मनगवा पुलिस ने जिस तरह से गंदा काम किया है, व्यापारियों के साथ अन्याय और लूट किया है, इसे गरीब व्यापारियों की छोटी दिवाली तो चौपट हो गई। गरीब व्यापारी का सामान लूट लिया गया, क्या यह रीवा जिले के नियम कानून में है या मनगवा थाना प्रभारी द्वारा स्पेशल लूट व्यवस्था है? आगे देखिए जिले के कलेक्टर और SP ऐसी घटनाओं पर क्या कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर चर्चा गर्म है, पूरे घटना का वीडियो स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह से रीवा पुलिस अपना घटिया कृत्य से बाज नहीं आ रही है। SDM साहब से लिखवा के ले आवा, जब इधर सभा के ना बनो हो ये मेर एक जन के थोड़ा बनो हम के बना भाई ये मां बन के सभा ना लगा सब के लगाए ला भाई सब पीछे में लाइट रुक रहा है गरीब आदमी बंद करे बंद करे तू कौन हो? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पुलिस जब्त कर रही है, मैं देख रहा हूँ। Thank you.
हेलो अपना ना खोले यार, नहीं तो मार है उसमें रखे अपना, हाँ रखो घर में अंदर रखो भाई। आप आज आप पटाखा जब्त किए हैं और किस किस अधिकार के तहत किए, किस नियम के तहत किए हैं और इसका क्या प्रोसीजर? पटाखा हम जब्त नहीं किए हैं भैया, कोई अधिकार नहीं, लाइसेंस है जितने तारीख का है उतने तारीख का पटाखा। आपने अभी पटाखा जब्त करके पुलिस से गाड़ी में लोड किया है? नहीं नहीं, ये गाड़ी में लोड है भाई, कहीं भी नहीं लोड है, कहीं भी नहीं लोड है। तो सर किसका नुकसान पहुँचाया जा रहा है? आपने गाड़ी लोड, आपने जब्त कर दिया, आपने पटाखा लोड नहीं किया है? नहीं पटाखा लोड में नहीं किया हूँ, जिसका वैध है उसका वैध है, जिसका वैध है वो नहीं चलाएगा। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? ये पटाखे की दुकान की लाइसेंस किसके नाम है? मेरे नाम है सर मोहम्मद। क्या हुआ आज आपके साथ घटना? जी सर, मैं 15 दिन के लिए लाइसेंस बनवाया था सर, इलेक्ट्रॉन सहित उसने 15 दिन के लिए दिया था, उसके बाद पुलिस वालों ने आया तो सामान उठा के ले जाने लगे। क्या उठा कर ले गए? सामान में पूरा पैक करा के कार्टून सहित जितना सामान है सब वापस रखने लगे। तो पटाखे को कहाँ लोड किए? पटाखे को लोड किए उसमें गाड़ी वाहन में। कौन सी गाड़ी थी? जो पुलिस लेके आए थे अपने साथ। जब्त करके सब ले गए? जी ले जाए। इसका इन्होंने कोई लिखा पढ़ी किया? कौन सा मटेरियल कितना है? कैसा सर? क्या लिखा पढ़ी किया? कौन सा सामान कितना है? नहीं ये लिखा पढ़ी नहीं किया, जितना है तो सब साथ ले जाने लगे, अंदाज से भर ले गए। तो आम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।